हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि हमारा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने हमें और आपको बनाया है, अगर हम उस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वो हमारे जीवनों में किस प्रकार से कार्य करते हैं। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आपके जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी जिसकी वजह से आप चर्च गए होंगे, आपने यीशु के बारे में सुना होगा और यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया होगा। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में जब हम लोग रहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो हमारे ऊपर अपनी दृष्टि को बनाए रहते हैं। मेरे प्रियो, इस संसार में जितने दिन हम जीवन जीते हैं, केवल उतना ही हमारे लिए नहीं है, इस संसार से जाने के बाद यानी कि हमारे मृत्यु के बाद हमें अनंत जीवन मिलेगा। और दो प्रकार का अनंत जीवन है। एक अनंत जीवन ऐसा है जहां पर अंधकार है, जहां पर दर्द है, पीड़ा है, यानी कि नरक है। और दूसरा अनंत जीवन है जहां पर कभी दुख नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं होगी, जहां शांति ही शांति है, आनंद ही आनंद है, और वो है स्वर्ग। लेकिन मेरे प्रियो, इस दोनों जगह में से, स्वर्ग और नरक में से, अगर आपको स्वर्ग जाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बाइबल के अकॉर्डिंग जीवन जीना होगा, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग जीवन जीना होगा। अगर आप नहीं जिएंगे तो आप कदापि स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तब हमें पता चलता है कि किस प्रकार परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है और कैसे परमेश्वर अपने भरोसा रखने वाले पर दया करते हैं, उन पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं और जांचते रहते हैं कि कहीं हमारे जीवन में कोई कमी घटी तो नहीं है। इसीलिए रोज अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता होगा कि आप एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन से भी कोई ना कोई पाप हो रहा होगा। इसलिए रोज अपने जीवन को परखें, जांचें, क्योंकि यह बहुत जरूरी है हर एक मसीह के लिए कि वो खुद को निरंतर परखते रहे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका 11 अध्याय, और भजन संहिता के 11 अध्याय से लेकर अगर हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे 4 आयत से लेकर, तो यहां पर राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ यह भजन है। और यहां राजा दाऊद परमेश्वर पर भरोसा के ऊपर कुछ बातों को लिख रहे हैं। अगर 4 आयत में पढ़ें तो लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। यहाँ दाऊद कह रहा है, परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो अपने भवन में है और वो हमेशा मनुष्य के पुत्रों को देखती रहती, यानी कि हमको और आपको देखती रहती है, जांचती रहे, और उसकी पलकें हमें जांचती रहती है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें खुद को ये सोचना होगा कि जब हम इस संसार में रहते हुए जीवन जीते हैं, जब हम अपने जीवन को चला रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सांसारिक बातों में मन लगा रहे हैं और हमें ये लगता होगा कि नहीं, कौन देखता है, कौन हम कहीं जा रहे हैं, कौन हमें हमारे ऊपर नज़र रख रहा है, कोई इंसान हमें नहीं देख रहा है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर सबको देखता है। अगर आप एक विश्वासी हैं और आप कहीं जाते हैं और आपकी आंखों से कोई व्यभिचार आप कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा, अरे मैंने तो जो भी कुछ किया, मैंने जो कुछ देखा, उसे परमेश्वर को थोड़ी पता है। लेकिन याद रखिए, वचन कहता परमेश्वर आप पर दृष्टि लगाए रहता है, उसकी पलकें आपको जांचती रहती हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप और हम अपने जीवनों को जांचें। आगे अगर हम पढ़ते हैं उसके 6 आयत को, तो लिखा है, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लहू उसके कटोरे में बांट दी जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, वो दुष्टों पर अपने फंदे बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लहू उसके कटोरे में बांट दी जाएगी। जो व्यक्ति अपने जीवन को सही रीति से नहीं चलाता, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, चाहे वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, अंत में जब न्याय किया जाएगा, न्याय सिंहासन के सामने, परमेश्वर उस व्यक्ति के हिस्से में क्या देगा? लहू, गंधक और प्रचंड जो गर्म आग है वो मिलेगा, यानी कि अनंत काल का नरक। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बाद भी अगर आपका पवित्र जीवन नहीं है, पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं, तो याद रखिए, परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि आपके कटोरे में, आपके हिस्से में केवल दर्द और दर्द ही आने वाला है। लेकिन आगे अगर हम 7 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे।
केवल वही व्यक्ति जो धर्मी है, और कोई भी इंसान धर्म नहीं, धर्म का काम नहीं कर सकता अपनी ताकत और बल लगाकर, कोई इंसान धर्मी नहीं बन सकता खुद की कामों से। हम धर्मी बनते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके लहू के बहाए जाने से हम धर्मी बनते हैं, और जो व्यक्ति यीशु के लहू के द्वारा खरीदा हुआ है और उसके वचन के अनुसार जीवन जीता है वो धर्मी जन बन जाता है। और जो धर्मी है परमेश्वर कहता है मैं उसके काम से प्रसन्न होता हूँ। आप अपने जीवन में जीते हुए कुछ भी काम करते हैं अगर वो वचन के अनुसार होगा तो वो धर्म के काम कहलाए जाएंगे, अगर वो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो अधर्म के काम कहलाए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, उनको लगता है कि अब हम पवित्र हो चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, अब वो सोचने लगे कि अब हमें कोई डर नहीं, हम सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता। स्वर्ग केवल वही व्यक्ति जाएगा जिसने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण किया हो और उसके वचन के अनुसार जीवन जीता हो, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। और पवित्रता के लिए यीशु मसीह के साथ चलना, उसके वचन का मनन करते हुए जीवन जीना अनिवार्य है, अन्यथा आप कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज इस वचन से हम क्या सीख रहे हैं? दाऊद यहाँ पर कहता परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है। हम निर्बल हैं, हम जानते हैं कि मनुष्य अपनी ताकत और बल लगाकर पवित्र जीवन नहीं जी सकता, लेकिन आपको घबराने की डरने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जब आप अपने जीवन में कमज़ोर होने लगते हैं, जब आप अपने जीवन में दुखी होने लगते हैं, पाप में गिरने लगते हैं, आप पवित्र जीवन जीने में असमर्थ होने लगते हैं, तब आपको प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर के सामने आकर, प्रभु से मदद मांगिए कि परमेश्वर मैं आपके वचनों में चलना चाहता हूँ, मैं आपके वचनों में चलनी चाहती हूँ, तो इसके लिए हमें एक पवित्र आत्मा दीजिए। और वो पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप आगे बढ़ेंगे तब मेरे प्रियो आप और अधिक परमेश्वर के वचन में मजबूत हो पाएंगे। आज प्रभु ने आपको ये सामर्थ्य दिया है। आज हर वो व्यक्ति जो यीशु के नाम से परमेश्वर के पास आते हैं, पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, प्रभु उसकी मदद करता है। यदि आप भी अपने जीवन में कमज़ोर पड़ रहे हैं, यदि आपको भी लग रहा है कि नहीं मेरे जीवन में आज भी पाप है, मैं आज भी बुराइयों में चल रहा हूं, तो ये समय है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने का। प्रभु से विनती करिए, परमेश्वर आपको एक नया जीवन देंगे, आपको बल देंगे ताकि आप एक पवित्र जीवन जी सके, क्योंकि बिना पवित्रता के आप परमेश्वर के भवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, अपने जीवन को आज जांचिए। आज का ये वचन जब हमने पढ़ा तो देखिए कि परमेश्वर कहता मैं तुझे देखता हूं और मेरी पलकें तुझे जांचती रहती है। देखिए कहां आप कमी आपके जीवन में है, किस जगह पे आप गिर रहे हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपके जीवन में आज भी पाप है। अगर आज भी आप पाप में जीवन जी रहे हैं तो प्रभु के पास आकर पाप से क्षमा मांगिए और परमेश्वर से विनती करिए कि परमेश्वर आज आपको फिर से उठाए, आपके पापों से क्षमा करे और एक नया जीवन दे। याद रखिए यीशु के दूसरे आगमन पर केवल वही व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीता है, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता।